हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज का टॉपिक है तीसरा चैप्टर धातु एवं अधातु। बच्चों आप लोगों ने बहुत बार धातु और अधातु की परिभाषाएं सुनी होंगी, लेकिन आज जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे और लिखेंगे कॉपी में। बच्चों सबसे पहले हम आपको धातु के विषय में परिचय करवाएंगे कि धातु कौन सी वस्तु होती है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे धातु अधातु की परिभाषा लिखी गई है और उनके अंतर भी लिखे गए हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले बच्चों हम धातु के विषय में बताएंगे। धातु क्या होता है? धातु क्या होता है बच्चों? धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं, धातु कहलाते हैं। धातु हमेशा इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं और त्याग करके पॉजिटिव आयन प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है Na प्लस। Na आपका एक धातु होता है। धातु भी कई प्रकार की होती है बच्चों। मैंने एक एग्जाम्पल सोडियम लिया है। बहुत सारी धातुएं होती हैं, क्षारी धातुएं होती हैं, उत्कृष्ट धातुएं होती हैं, क्षारी मृदा धातुएं होती हैं और प्रकार की भी धातुएं होती हैं। उनमें से एक प्रकार आपके सामने लिखा है Na प्लस, क्षारी धातु का एग्जांपल है बच्चों। यहाँ पर क्या होता है कि Na जो है एक आयन त्यागने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। जैसे कैसे हम जानते हैं, हम लोग जानते हैं सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। जब इसका विन्यास करते हैं तो 2.8.1 आता है और संयोजकता के अष्टक सिद्धांत से हमें पता चलता है कि बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हुआ जो सोडियम है आपका वो एक इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर देगा, तो इसकी बाहरी कक्षा में आसानी से 8 इलेक्ट्रॉन रह पाएंगे। कोई इसको अपना 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, क्योंकि 8 होना चाहिए, 7 कोई नहीं देगा, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। जो त्यागते हैं इलेक्ट्रॉनों को वही धातु होते हैं बच्चों। सीधी सी बात आप समझ जाइए। तो आपसे कोई पूछे कि धातु किसे कहते हैं तो आप बताइएगा जो तत्व इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनायन मतलब पॉजिटिव आयन प्रदर्शित करते हैं, धातु कहलाते हैं। और ये ऊष्मा और विद्युत का संचालन भी करते हैं, ये ऊष्मा और विद्युत का संचालन भी करते हैं। तो बच्चों आप समझ गए होंगे। अब हम आपको अधातु के विषय में बताएंगे। अधातु क्या होता है? जस्ट अपोजिट, इसी का उल्टा। ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके, ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करके बेटा, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋण आयन प्रदर्शित करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋण आयन प्रदर्शित करते हैं। जैसे क्लोरीन माइनस, क्लोरीन आपका अधातु है। इसका विन्यास अगर क्लोरीन का, सिंपली केवल क्लोरीन का मैं करूं, केवल क्लोरीन का, तो बच्चों क्लोरीन का विन्यास करने में 2.8.7 आता है। इसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो 8 हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, इसलिए अधातु है। ठीक है, ये ऊष्मा और विद्युत का संचालन नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अधातु भी समझ में आया होगा। अब एक तीसरी डिफिनेशन है बच्चों, उपधातु। उपधातु मेटलाइट्स, उपधातु क्या होता है बच्चों? इसके दोनों के बीच का होता है, जो धातु और अधातु, धातु और बच्चों कौन सा अधातु, दोनों के गुण प्रदर्शित करता है, दोनों के गुण प्रदर्शित करता है, उपधातु कहलाता है। ठीक है, समझ में आया होगा बच्चों, उम्मीद है। तो वही जो है इसमें नीचे दिया गया, आप देख सकते हैं बच्चों, अब स्क्रीन में मैं लेकर आ रहा हूँ इस क्वेश्चन को, देख लीजिए। वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत का संचालन करते हैं धातु कहलाते हैं। वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत का संचालन करते हैं धातु कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात धातुएँ विद्युत धनात्मक होती हैं। धातुएँ अघात वर्धनी तथा तन्य होती हैं। सामान्यता कमरे के ताप पर ठोस होती है, परंतु मरकरी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। उदाहरण के लिए एल्युमिनियम, कॉपर मृदा धातुएं हैं। उत्कृष्ट धातुओं में सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम आती है। क्षारी धातुओं में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आता है। क्षारी मृदा धातुओं में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आता है। अगर हम अधातु की बात करें तो वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं करते अधातु कहलाते हैं। अधातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातुएँ कहलाती हैं। अधातुएं आघात वर्धनीय एवं तन्य नहीं होती है, परंतु भंगुर होती हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर इत्यादि। बच्चों
अंतर इधर दिया गया, आप देख सकते हैं इस तरफ अंतर दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा स्क्रीन पर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, लिखते रहिएगा आप बाद में। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, धातु अधातु उपधातु के विषय में परिभाषा आपको अच्छे समझा दी है। अब मैं आगे थोड़ा सा चलूँगा बच्चों, स्क्रीनशॉट उम्मीद है आपने ले लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे आप देख सकते हैं धातु एवं अधातुओं के बीच अभिक्रिया दिया गया है। इसमें लिखा है धातु की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है, जबकि अधातु की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है। जब धातु अधातु एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो दोनों ही इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा सहसंयोजन द्वारा अपराष्टक पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये सब दिया गया है। फिर आयनिक और वैद्युत संयोजी बंध के विषय में बताया गया। तो बच्चों हम इसको अच्छे समझाते हैं कि आयनिक और वैद्युत संयोजी बंध क्या होते हैं। बच्चों सीधी सी बात ये समझो, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं उन्हें वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। जो बंध बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं उन्हें वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। ठीक है बच्चों, इन्हें आयनिक भी बंध कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे NaCl लिया बच्चों, तो NaCl में क्या होता है, अभी बताया था Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2.8.1 लिख सकते हैं। क्लोरीन के पास बच्चों कितना होता है? 17 होता है, तो इसको हम 2.8.7 लिख सकते हैं। बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ये क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, तो यहाँ पर Na का जो है एक Na पर पॉजिटिव आयन आ जाएगा और क्लोरीन पर बच्चों क्या आएगा? ऋण आयन। मतलब सोडियम के पास एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, ज़रूरत होती है, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे होता है। ये वाला सोडियम इस क्लोरीन को दे देता है, जिससे क्या होता है Na पे प्लस आता है और Cl पे माइनस आता है बच्चों। ठीक है, तो इनके बीच मतलब धनायन और ऋणायन के बीच बने बंध को हम आयनिक बंध या संयोजी बंध, वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। परिभाषा क्या है? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं उन्हें वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मेन मेन चीज़ों की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर आयनिक यौगिकों के गुण दिए गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिएगा इसको, ज़्यादा कम समय ना होते हुए हम बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे ही बता देंगे। भर्जन निस्थापन प्रगलन की परिभाषा ये जरूर पढ़ के जाना बच्चों। देखिए अब उपधातु वगैरह दिया गया है, जो तत्व धातु अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी, विस्मत, SB इत्यादि, है ना, धातुओं का परिष्करण शोधन वगैरह दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं संक्षारण आपको पढ़ाई चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों बोर्ड परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने बगल में सेट कर दिए हैं। कह रहा है ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, चाकू से आसानी काटी जा सकती है, उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, उष्मा की कुचालक होती है। तो ये सब गुण कौन सा रखता है? पारा रखता है। देखिए कमरे के ताप पर जो द्रव होती है बच्चों वो पारा होता है, चाकू से जो आसानी से काटी जा सके सोडियम होती है, और उष्मा की सबसे अच्छी चालक जो होती है वो सिल्वर होती है, चांदी होती है, और कुचालक जो होती है लेड होती है। ठीक है, इसके आंसर नीचे दिए गए हैं। अगला है, कह रहा है संतुलित समीकरण लिखिए, तन सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक से क्रिया करके क्या करता है? तो Zn4+H2 बनाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एल्यूमिनियम से क्रिया करके AlCl3+H2 बनाता है। ठीक है, धातुएं किस प्रकार के नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं? तो जब धातुओं की क्रिया अति तरु नाइट्रिक अम्ल से होती है तो हाइड्रोजन गैस निर्मित होती है। मैग्नीशियम अति तरु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके मैग्नीशियम नाइट्रेट तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ठीक है, एक आता है बेटा अम्लराज करके, अम्लराज किसे कहते हैं? तो इसको आप जरूर समझ लीजिए, अम्लराज सुना होगा आप लोगों ने, पढ़ा भी होगा, तो देख लीजिए क्या होता है, पेपर में आ जाए छोड़िएगा नहीं। नाइट्रिक अम्ल होता है इसमें HNO3, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है,
बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि NaCl निकलता है, Cl2 निकलता है, प्लस H2O निकलता है, ठीक है, ये निकलता है, ये अभिक्रिया अम्लराज। एक भाग नाइट्रिक अम्ल और तीन भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को अम्लराज कहते हैं। एक भाग नाइट्रिक अम्ल और तीन भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को अम्लराज कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे चलते, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लें सभी बच्चे जल्दी से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारे दिए गए, आप स्क्रीनशॉट इनका भी लेते जाएं, क्योंकि ये सारे प्रश्न बोर्ड पेपर में आने वाले प्रश्न हैं, पूछे गए प्रश्न हैं। आप देख सकते हैं हर प्रश्न के आगे सन दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पर आपके जितने भी प्रश्न लिखे हुए सब ये पूछे गए क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर जो है समाहित किया है, जो प्रश्न बोर्ड पेपर में संभवतः आएंगे, तो आप उनका स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी लेते जाए बच्चों। अयस्क वगैरह आप जानते हैं, अयस्क प्रकृति में पाए जाने वाले जिस खनिज में पर्याप्त मात्रा में धातु होती है, ठीक है, जिनमें से धातुएं सरलता से कम खर्चे से प्राप्त की जा सकती है, उन्हें अयस्क कहते हैं। बच्चों सुना होगा आप लोग, और कापर के दो प्रमुख अयस्क आप लोगों ने सुना होगा, कापर ग्लांस होता है, कापर पाइराइट Cu2S, और कापर पाई CuFeS2 होता है। ऑक्साइड अयस्क Cu2O होता है। बाक्साइट और मैलेकाइट का सूत्र बच्चों यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं नीचे। बाक्साइट का सूत्र होता है, एक होता है Al2O3.2S2O, क्या होता है Al2O3.2S2O, ये बाक्साइट का फार्मूला होता है बच्चों, ठीक है। बाक्साइट का फार्मूला क्या होता है Al2O3.2S2O। मैलेकाइट का फार्मूला होता है CaCO3COOH का होल ट्वाइस, देख सकते हैं आप लोग। आगे जो है, आगे हम देखते जा रहे हैं, जितने भी प्रश्न हैं आप स्क्रीनशॉट लेते जाएँ बच्चों। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते जाएँ, इनको आप पढ़ जरूर लीजिएगा। सरल भाषा है, कोई कठिन नहीं है, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाएँ बच्चों, मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते जाएँ। आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं? बच्चों आयनिक यौगिक जो होते हैं वो प्रबल स्थिर वैद्युत बलों द्वारा जुड़े होते हैं, जिन्हें तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक अपेक्षाकृत उच्च होते हैं। समझ पा रहे होंगे आप लोग, आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक क्यों उच्च होते हैं? तो इसलिए उच्च होते हैं क्योंकि ये प्रबल स्थिर वैद्युत बलों द्वारा जुड़े होते हैं, जिन्हें तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गए आपके सामने सारी चीज़ें। आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा, यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है? देख सकते हैं वायु में उपस्थित CO2, O2 नमी से अपने करके तांबे की सतह पर एक हरे रंग की परत बन जाती है, तथा तांबा अपनी चमक खो देता है। यह परत जल में विलय होती है, स्वच्छ जल से धोने पर अलग नहीं होती। नींबू और इमली के साथ में धोने पर यहाँ पर कापर कार्बोनेट की परत से अपने करके घुलनशील लवण बना देते हैं, जिन्हें तेल से धोकर अलग कर लिया जाता है, इससे तांबे की सतह पुनः चमकीली हो जाती है। बच्चों देखिए आंसर दिए गए, मैंने तभी बोला है कि सभी आप लोग नोट करें। भर्जन क्या होता है? सांद्रित अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थित में गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं, और वायु की अनुपस्थित में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे कम ताप पर गर्म करने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं। ये परिभाषा है बच्चों, मैं पहले भी बोल चुका हूँ और आज भी बोल रहा हूँ, सभी आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे बिना पूछे बिना समझे। अब देखिए आगे चलते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया गया, कापर ग्लांस अयस्क से किस प्रकार तांबा विलगित किया जाता है? कापर ग्लांस क्या होता है? कापर ग्लांस होता है बच्चों CU2S, जब इसे वायु में गर्म करते हैं तो आंशिक रूप से ऑक्सीकृत होता है, और ऑक्सीकृत उत्पाद शेष कापर ग्लांस क्रिया करके कापर धातु देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिन पर सरलता से जंग नहीं लगता है? तो बच्चों गोल्ड है, प्लेटिनम है, और क्रोमियम है। ये सरलता से जंग नहीं लगता क्योंकि इन धातुओं की क्रियाशीलता अत्यधिक कम होती है, ठीक है। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, इसका कारण बताइए। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, तो इसका कारण देखिए नीचे दिया गया है, पढ़ सकते हैं। कापर लोहे का, लोहे की अपेक्षा ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। कापर उबलते अथवा गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता, परंतु स्टील में उपस्थित लोहा जलवाष्प से अभिक्रिया कर लेता है। कापर का गलनांक इस्पात की अपेक्षा अधिक है, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। मिश्र धातु क्या है? जब दो या दो से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिश्रित करते हैं तो मिश्र धातु बनती है। गन मेटल कापर की एक महत्वपूर्ण मिश्र धातु है, जिसमें Cu88%, टिन 10%, जिंक 2% होती है। इसका उपयोग बंदूकें, हथियार, मशीनों के पुर्जे बनाने में होता है, ठीक है बच्चों। आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेते जाएं, मैंने कहा था आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेते जाएं। प्रत्येक जो है पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, जहाँ जहाँ मैं रोक दूँ वहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना लेना है आपको, इसी से पढ़ाई करनी बच्चों। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? देख सकते हैं आप लोग, इधर चौथा नंबर प्रश्न दिया गया है इस तरफ।
एक धातु में जो है इसे चाकू से काटा जा सकता है, या धातु तत्व संयोजन से कौन सी गैस बनाती है, सारे इसके आंसर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं बच्चों। सोडियम जो होती है अगर सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेगी तो सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन हमारे तो यही है जिसे चाकू से हम काट सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन है सोडियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं लिखिए। सोडियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं लिखिए। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण भी बताइए। देखिए बच्चों, सोडियम का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की बात करें, सोडियम का 11 होता है तो केवल एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका यही समझो। और मैग्नीशियम में दो होते तो दो बिंदु आप बना लीजिए, ऑक्सीजन में छः होते बारीक अच्छा में, तो इस तरीके से छः कर लीजिए। ये हो गई पहले प्रश्न का जवाब। अब दूसरे प्रश्न का जवाब क्या होगा, कह रहा है कि Na2O, तो Na2O का मतलब वो ऑक्सीजन के दोनों तरफ सोडियम हो जाएगा, तो दोनों के पास एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है और इसके पास इसको दो की आवश्यकता बनी रहती है, किसको, इसको ऑक्सीजन को, इसके पास कितना होता है, दो, तो चार, तो छः, तो ये आपस में इस तरीके से साझा कर लेता है। देख लीजिए यहाँ पे 6, 2, 8 हो गए कि नहीं हो गए, मतलब इसने इसको एक दे दिया, इसने इसको एक दे दिया, ठीक है। यहाँ पे आप समझ गए होंगे Na+O- बन गया, ठीक है। इसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड का है MgO का है, MgO के पास अतिरिक्त दो होता है कि अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, इससे Mg में डबल प्लस आता है, O में डबल माइनस आता है, ठीक है बच्चों। ये हो गया दूसरे प्रश्न का जवाब। चलिए स्क्रीन शॉट लेते हैं। ले ले स्क्रीन शॉट इसका भी। देखिए खनिज और अयस्क में अंतर दिया गया है बच्चों, दो नंबर में अक्सर पूछ लिया जाता है, देख सकते हैं कई सन में पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लें और पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से। प्रगत में भूपरपट्टी के नीचे धातु जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती है उसे खनिज कहते हैं। जिस खनिज में धातु अधिक मात्रा में उपस्थित हो उससे धातु को आसानी से कम खर्च में प्राप्त किया जा सके उसे अयस्क कहते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ये पेपर में आ जाती है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी खनिज अयस्क नहीं होते, इसमें सत्य असत्य वाला भी पूछ लिया जाता है, तो बच्चों आप इसको देख लीजिएगा। सभी अयस्क तो खनिज हो सकते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, ठीक है। कॉपर पायराइट और सिल्वर क्लोराइड दिया गया इसमें एग्जाम्पल में। चलिए आगे चलते हैं। लेते जाए स्क्रीन शॉट। बच्चों लगभग आपका ये चैप्टर समाप्त हो चुका है, लगभग पूरे चैप्टर का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप इन्हीं को पढ़ लीजिएगा, आपके बोर्ड पेपर में इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं फंसेगा, सब इसी में से आना है, इसी में से बनना है सब, इसको मैंने अपने द्वारा अपने हाथों द्वारा इसको सब बनाया है, इस पेपर को जो आपके सामने दिख रहा है मैंने इस नोट्स को अपने हाथों से तैयार किया, इसलिए मैंने बोला है कि आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए। अभी सारा डिटेल्ड जो है आपको बताया जा चुका है, फिर भी आप यहाँ से जा करके पढ़ते रहिएगा, अगर कोई समस्या आवे तो आप कमेंट के माध्यम से कमेंट करिएगा, बताइएगा सर हमें नहीं आया तो मैं उसको डिटेल वाइज समझाऊँगा, ठीक है बच्चों। ठीक है तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करेंगे, 10th में ये तीसरा चैप्टर धातु और अधातु का समापन यहीं पर होता है। अब हम आपको अगले चैप्टर तत्वों के कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में बात करेंगे, जिसमें IUPAC आएगा, तो IUPAC का ऑलरेडी हमारा एक वीडियो पड़ा हुआ है बच्चों, जिन बच्चों को देखना हो तो वो इंटरमीडिएट वाला IUPAC ऑर्गेनिक वाला देख ले, जो बना हुआ वीडियो वही 10th में भी उसी से आना है, कुछ अलग नहीं आना, तो वहाँ पे देख लीजिए। हालांकि मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए, परेशान ना होइए, लगातार आप बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएँ, लाइक करते जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएँ, जो बच्चे नए आए सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है बच्चों। तो लाइव क्लास के माध्यम से भी मैं आपको पढ़ाऊँगा और यहाँ पर भी आपको पढ़ते जाना है, ठीक है बच्चों। तो मैं क्लास को यहीं पर आज समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सब समझ में आया होगा, अगर ना आया हो तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमको सारी चीज़ें अपनी बताएंगे कि सर यहाँ पर नहीं समझ में आया है, तो मैं उनको जो है उनके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है बच्चों।
क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाता है बच्चों। सभी लोगों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।